हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टोरेज क्लास इज अ स्टैटिक स्टोरेज क्लास। राजेश क्लासेस टू चीजें डिफाइन कर देने, लाइफ टाइम एंड स्कोप। स्टैटिक स्टोरेज क्लास द स्कोप कब तक है, जब तक ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक और फंक्शन सेम लाइक ऑटोमेटिक एंड रजिस्टर। बट लाइफ टाइम ये वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट रहने ने मेमरी टिल द प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, जब तक प्रोग्राम चलेगा रन होएगा तब तक ये मेमरी मौजूद रहेंगे। पहला वाले किसी के जो फंक्शन काम खत्म कर देना से अपना उन्होंने काम खत्म ही रहे। ठीक है जी, बट स्टैटिक वेरिएबल द एग्जिस्टेंस कद तक आ टिल द जब तक प्रोग्राम चल रहा। यदा जो एरिया है स्टैटिक वेरिएबल का लोकल ही है, मैं तुम्हें पहला भी दसिया। डिफरेंस की है कि जदों असी वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी भी ब्लॉक या फंक्शन दे विच तां ये अपनी वैल्यू नू इरेज नहीं करते, रिटेन करके रखते हैं। रिटेन देयर वैल्यू, आप जिहड़ी वैल्यू तुसी लास्ट उस वेरिएबल छड्डी होएगी तो उस वैल्यू नू संभाल के रखेंगे। जे तुसी दोबारा वह फंक्शन कॉल करोगे तो स्टार्टिंग तो नहीं चलेंगे, जिहड़ी लास्ट वैल्यू उन्हां को होल्ड सी उस तो चलेंगे बेटे। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा तुहानू क्लीयर होएगा बाय एग्जाम्पल। प्लीज़ एग्जाम्पल नू ज़्यादा क्लीयर तरीके समझियो। सेम मैं दो हेडर फाइल्स लै रही हूँ, स्टीरियो डॉट एच, कॉर्नर डॉट एच। सिंपल मैं एक फंक्शन बनाया लाइक फन नाम का। ठीक है, हूँ बेटे मैं ये एक स्टैटिक वेरिएबल लै रही हूँ। ए नाम का एक वेरिएबल लै रही हूँ, कुछ नहीं है बस इन थोड़ा समझ के रखो। ठीक है, फिर असं टेन का इनक्रीमेंट किया तो इन प्रिंट करा रहे हैं। परसेंट डी क्यों लिखा, क्योंकि बिलोंग टू अ इंट। यदि तो फंक्शनैलिटी क्लीयर होगी जो असं मेन कॉल करा। लाइक आई कॉल अ फंक्शन फन टू टाइम। ठीक है, हम ध्यान ना समझो, मैं तुम्हें कहा कि भी स्कोप तो की आ विद इन अ ब्लॉक। हाँ जी, मतलब ये वाला फंक्शन जो वेरिएबल है दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल कितने यूज होएगा, फन फंक्शन के बीच ही यदा दायरा इतने तक ही है। बट सैकेंड इज़ अ लाइफ टाइम, एक कद तक मैमरी मौजूद रहेगा बेटे। ऑटोमैटिक रजिस्टर कद तक रहने से जो अपना फंक्शन कम परफॉर्म करता से। बट मैं तुम्हें क्या कि एक कद तक मैमरी मौजूद रहेगा टिल द प्रोग्राम इज रनिंग, जब तक साडा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इहदा विच डिफरेंस की आ कि दीज वेरिएबल आर नॉट इरेज्ड वैन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन गैट्स ओवर। जदों मतलब फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है तो अपनी वैल्यू नू इरेज नहीं करते, संभाल के रखते हैं। देखो फन फंक्शन नू मैं कॉल किया, कंट्रोल आएगा इतने उस विच की क्या है, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10। इहदी वैल्यू कितनी असाइन हुई है 10। फिर की होया ए इक्वल टू ए प्लस 10, मतलब ए की वैल्यू कितनी सी 10, 10 प्लस 10 20। तो सानू की मिलेगी आउटपुट ए इज 20। हूँ याद रखियो लास्ट ए को कितनी वैल्यू है 20। ठीक है, सो हूँ मैं सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल किया फन, कंट्रोल फिर फन को आएगा। हूँ इत्थे स्टैटिक इंट 10 तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम मौजूद आ, इन्हें अपने आप इरेज नहीं किया, इन्हें लास्ट वैल्यू संभाल के रखी है बेटे। तो लास्ट वैल्यू कितनी सी 20। सो 20 प्लस 10 कितना आएगा इज 30। मैं दोबारा तो रिपीट कर दिया, फर्स्ट टाइम जो असं फंक्शन कॉल किया इनिशलाइज कितों किया मैं स्टैटिक वेरिएबल दैट इज़ अ 10। ए प्लस 10 मतलब 10 प्लस 10 इज़ अ 20।
20 प्रिंट हो गया हूँ यार, क्योंकि लास्ट असी जो तो फंक्शन में कॉल कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू केड़ी रह रही है एको 20 जो असी फंक्शन कॉल किया। ठीक है जी, समझा लिख रही हूँ। फिर सैकेंड ने बेटे मैं फंक्शन में कॉल किया तो यही कहना ना कि प्रोग्राम के बिचों अपनी जी हैगी जब तक फंक्शन जे अपना काम खत्म भी कर जाता था बट ये प्रोग्राम मौजूद रहते हैं जब तक प्रोग्राम चलता, तो उन्हें लास्ट वैल्यू संभाली हुई है। इन्हें लास्ट वैल्यू कि 20 सैकेंड टाइम तो फंक्शन कॉल किया तो की होएगा 20 + 10 नाउ की प्रिंट होएगा 30। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ थर्ड टाइम फन, फिर कंट्रोल फन फंक्शन को ही आएगा। हूँ लास्ट वैल्यू केड़ी सी एको दैट इज़ अ 30, 30 + 10 हूँ कितना मिलेगा सानू। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई गल कि स्टैटिक वेरिएबल का ब्लॉक जरा है स्कोप दैट इज़ अ ब्लॉक और फंक्शन, बट यदा जरा लाइफ टाइम आ कद तक ये मैमरी च मौजूद रहने जब तक अपना प्रोग्राम अपना काम नहीं खत्म कर लेना टिल द प्रोग्राम इज़ अ रनिंग। एंड मेन थिंग इज की आ कि दीज वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यू, जदों भी ये फंक्शन उसी दोबारा कॉल करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल उस वैल्यू तो ही स्टार्ट होंगे जिहड़ी उन्होंने संभाल के रखी हुई है, क्योंकि प्रोग्राम जो तद ही रेज होंगे जदों प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ओके जी, सो दीज वेरिएबल आर नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक मीन्स वैल्यू अपनी इरेज नहीं करते, जिमें फन ने अपना काम खत्म करता तो अपनी मैम उन्हें मैमरी इरेज नहीं की, उन्हें जी लास्ट वैल्यू होल्ड की सी वो 20 ही रखी। फिर तुम फन में कॉल किया तो उन्हें सैकेंड टाइम फंक्शन कॉल किया, पहली बार सॉरी पहली बार फंक्शन कॉल किया तो ए वैल्यू 10 सी, फिर 20 हो गई, उन्हें 20 संभाल के रखी। दूसरी बार फंक्शन कॉल किया 20 + 10 कितनी हो गई 30 संभाल के, फंक्शन का काम खत्म होया बेटे प्रोग्राम का नहीं। मैं बार बार कंसैप्ट जान के तुम रिपीट कर रहा कि तुम क्लीयर हो जाए। थर्ड टाइम फंक्शन कॉल किया तो की होया 30 + 10 40, 40 हूँ कि वैल्यू रिटेन आ एको 40, जो तुम नैक्सट बार कॉल करोगे तो 40 तो चले काम खत्म करे कर रहे जो तुम प्रोग्राम टर्मीनेट करो तदों ही रेज हुए। ठीक है बेटे, दिस आर आल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स। आई थिंक तुम्हें कंसैप्ट क्लीयर होएगा, अगर कोई डाउट है तो मैं कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।